आज सुबह शंकरपल्ली पुलिस और SOT शमशाबाद जोन मिलके एक इंटरस्टेट रॉबरी गैंग को पकड़े थे। इसमें 6 लोग शामिल थे। इन्होंने एयर पिस्टल परियो रॉड्स और स्क्रू ड्राइवर ये सब यूज़ करके पब्लिक को डरा के पैसे ले रहे थे और उनका सेलफोन भी चोरी कर रहे थे। पूरे 7 केसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट है। इनका नाम है एक मोहम्मद हर्षद खान, नेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश है पर शंकरपल्ली में कारपेंटर का काम कर रहे हैं। दूसरे जावेद चौहान, तीसरे शाहरुख, चौथे मोहम्मद अफजल और अकबर चौहान और मोहम्मद फैजान, ये 6 लोग मिलके ये रॉबरीज कर रहे थे। 24th को नाइट को एक रविंदर रेड्डी शंकरपल्ली हाईवे पे बाइक में जा रहा था, फिर रात को 1 बजे उनको रुकवा के उनको मार के उनके पास जो सेलफोन वगैरह है वो पूरा चोरी किया था। वैसे ही ये लोग 2017 से A1 जो मोहम्मद अरशद खान है इधर ही रह रहे हैं शंकरपल्ली में, कारपेंटर का काम कर रहे हैं। उनका पापा उत्तर प्रदेश से है और उनका मदर शंकरपल्ली से है, तो इधर ही 2017 से रहकर कारपेंटर का काम कर रहे हैं। बाकी A22 A6 इनका दोस्त और रिश्तेदार है। ये लोग बेंगलुरु पहले गए थे काम के लिए, उधर काम नहीं मिला तो फिर शंकरपल्ली में आके इधर रुक रहा था। फिर इन लोगों ने पूरा एक प्लान बनाया कि रात को हम कार हायर में लेके जो भी दिखता है उनके मार के उनका पैसा वगैरह ले लेते बोल के। उसी के हिसाब से इन्होंने 3 कार रेंटल में लिया था। पहले एक स्विफ्ट डिज़ायर कार विकाराबाद से लिया था, उसके बाद बलेनो कार, मारुति बलेनो कार लिया था, उसके बाद हुंडई i20 कार रेंटल सर्विसेज से लिया था। फिर रात को घूम के कोई भी आइसोलेटेड बंदा दिखा तो उनको मार के पैसे और सेलफोन ले रहे। पूरे 7 केसेस में ये लोग शामिल है। पहले 23rd को शंकरपल्ली में एक केस, बानूर में और कुंडापुर में ये तीनों केस में शामिल थे। फिर 24th 25th मिडनाइट को एक मोमिन पेट में, एक विकाराबाद में, एक विकाराबाद में और शंकरपल्ली में, 4 केस में शामिल थे। पूरे 7 केस में इन लोगों ने रॉबरी किया है। ये पूरे SOT शमशाबाद इंस्पेक्टर और उनका DCP संदीप और इंस्पेक्टर शंकरपल्ली ACP चवेले पूरे 7 में मिलके इन लोगों के पकड़ा था। इनके ऊपर भी रिवार्ड देने के हम कोशिश करेंगे।